भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे प्रिपरेशन करें भैया मेरा बैकलॉग इतना लग गया है कि आप प्रिपरेशन करने का मन ही नहीं कर रहा है भैया मैंने सोचा था कि एम्स दिल्ली जाऊंगा टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूंगा लेकिन अभी मन ऐसा हो गया है कि कम से कम एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए यही बहुत है भैया क्लास इलेवन पूरा वेस्ट हो गया भैया मैं एक ड्रॉप पर करूँ फिर भी मेरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ यार ये सारे डाउट ना आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के माइंड में अभी होगा और मैं भी सेम चीज से सफर कर रहा था लेकिन वही थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट

ड्रॉपर हो तुम फ्रेशर हो तुम एक तरीके से शुरू कर सकते हो लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा हर एक स्टूडेंट को यार कि अगर तुमने पहले कभी कोई प्लानिंग बनाया होगा कोई रोड मैप तैयार किया होगा जिसको तुम फॉलो कर रहे हो अभी तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस चीज़ को चेंज करने का अगर तुम किसी मेंटर को फॉलो कर रहे हो पहले से तो कोई जरूरत नहीं तुम्हें चेंज करने का मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे तुम भी देख रहे हो लेकिन होगा ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट अभी स्किप कर देंगे मैक्सिमम स्टूडेंट इसको देखेंगे बट फिर फॉलो नहीं करेंगे लेकिन अगर तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम मेडिकल कॉलेज में जाने लायक हो उसके लिए मेहनत कर लोगे तो इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहले अपना प्रॉब्लम लिखना क्या प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो जिसके वजह से तुम्हारे सही से हो नहीं पा रहा है। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को यहां से बहुत ध्यान से सुनना, पेन पेपर लेके बैठ जाना यार क्योंकि इस वीडियो को मैंने फेजेस में डिवाइड करा है। टोटल फाइव फेजेस में इस वीडियो को मैंने बनाया है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दू की हमारे पास टोटल एक दिन बचे हुए हैं नीट 2025 के लिए अगर तुम थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से भी सीरियस होकर प्रिपरेशन करने लगते हो तो देखो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे टाइम वेस्ट करेंगे नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च अप्रैल और मई हमारा जो नीट 2025 होने वाला होगा मैक्सिमम चांस है चार मई को होगा और उससे पहले हमारे पास नवंबर पूरा है दिसंबर पूरा है जनवरी है फेबर है मार्च है अप्रैल है मार्च तक हमें सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है रिवीजन कर लेना है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है मॉकटिस और लास्ट का एक रेगुलर फुल हो देना होता है और ये एक बेसिक सा स्ट्रेटेजी है जो कि हर एक नीट क्रैक करने वाला स्टूडेंट फॉलो करता है इस वीडियो को मैंने पांच अलग अलग फेजेस में डिवाइड करा है ये फेज वन फेज टू फेज थ्री फेज फोर और फेज फाइव सबसे पहले हम बात करते हैं फेज वन में फेज वन जो होगा स्टार्टिंग का कुछ दिन मैंने लिया है जिसमें आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस को समझो कि आखिर क्या सिलेबस है नीट का आप एनटीए के वेबसाइट से आप पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो मेरा टेलीग्राम पे मैंने पूरा प्रॉपर सिलेबस डाल रखा है कि आखिर कौन-कौन से चैप्टर का कौन-कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन-कौन टॉपिक है जिससे एनटीए क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए तो वो एक बार पूरे सिलेबस को समझो आप अपना बैकलॉग देखो आपका वीकनेस क्या है आप कितने चैप्टर को कंप्लीट कर रखे हो कितने को नहीं कर रखे हो तो एक बार इस फेज में आप पूरा प्लानिंग बनाओ खुद के लिए कि आपका क्या क्या कंप्लीट है क्या क्या छूटा हुआ क्या है क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है आपका ये सारी चीजों का प्लानिंग आप स्टार्टिंग के ये कुछ दिनों में आप पहले खुद से कर लो और ये कुछ दिन में आप एक और चीज तैयार कर सकते हो वो है एक प्रोग्रेस सीट जो कि मैंने खुद भी करा था ये आपको बहुत हेल्प करेगा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सिलेबस को सही समय पर कंप्लीट करने के लिए रैपिड रिविजन करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हर चीज के लिए एक रिमाइंडर होगा ये प्रोग्रेस सीट आपके लिए आखिर कैसे बनाओगे ये चीज तो उसके लिए आपको एक पेपर को इस प्रकार से डिवाइड करना है उसमें आपने चैप्टर के नाम लिख दिया लेक्चर रिवीजन नो क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी और कुछ एक्स्ट्रा एड करना है तो वो भी आप कर सकते हो बट ये इनफ है आपने चैप्टर के नाम लिखा फिर आपने वहां टिक करा कि लेक्चर हो गया है रिवीजन आपने पहला बार करा दूसरा बार करा तीसरा बार करा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कितना करा वो आप लिख सकते हो एनसीआर आपने कितना बार पढ़ा वो लिख सकते हो जब ये प्रोग्रेस सीट को आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या क्या कर लिया है क्या क्या छूटा हुआ फेज वन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप खुद को प्रिपेयर करो अगर तुम नीट क्रैक करना चाहते हो रिमेनिंग के छह मंथ में तो आप उसके लिए उतना मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं आप दस घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो कि नहीं देखो यार अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि दस घंटा पढ़ो लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको पंद्रह घंटा सोलह घंटा बीस घंटा भी पढ़ना पड़ जाएगा कब जब आपका नीट नजदीक आएगा जब आपका सिलेबस जब आपके ऊपर बहुत बर्डन होगा जब आपका एग्जामिनेशन जब आपका बार बार मॉक टेस्ट हो रहा होगा उस समय आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा तो अभी एटलीस्ट आप दस से दस घंटा पढ़ने की कोशिश करो अगर आप दस घंटा भी बैठते हो तो आठ से नौ घंटा आपका इफेक्टिव स्टडी हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट स्किल पर आप काम करो आप रिविजन टूल्स बनाओ शॉर्ट नोट्स बनाओ जो कि आपको लास्ट के समय में बहुत हेल्प करेगा फिर हम बात करते हैं फेज नंबर टू क्या आपको फेज नंबर वन समझ में आ गया मैक्सिमम बच्चे होंगे यहाँ से अब चले जाएंगे क्योंकि इन्हें यही चीज बहुत टफ लगेगा लेकिन कुछ परसेंट स्टूडेंट होंगे जो यहाँ से आगे इस वीडियो को देखेंगे शायद आप उस कुछ परसेंट में से हो फेज नंबर टू में आपको क्या करना है अब 45 डेज का चैलेंज लेना है

कि आखिर बायोलॉजी के कौन कौन चैप्टर आप इस 45 डेज में पढ़ोगे बायोलॉजी के 45 डेज में डू और डाई टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन डू और डाई टॉपिक्स जो होगा जुलॉजी के आप स्टार्टिंग के फोर्टी डेज में ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जुलॉजी के जिसका मैक्सिमम वेटेज रहता है आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन उल्टाओ देखोगे आपको कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले आप ये चैप्टर को कंप्लीट कर लो ठीक है बॉटनी में सिमिलरली सेल बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट रिप्रोडक्शन इकोलॉजी और मोलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स ये आप कंप्लीट कर सकते हो स्टार्टिंग के फोर्टी डेज में इसमें आपको करना क्या रहेगा आप एक डेली का टारगेट सेट करोगे डेली का टारगेट में क्या आपका रहेगा तो वन चैप्टर आपका रिविजन जो कि आप मॉर्निंग में करोगे और वन से टू लेक्चर आप हर रोज बायोलॉजी का देखोगे लेक्चर देखने के बाद आप खुद से एनसीआरटी थ्योरी पढ़ोगे स्पेशली आप डायग्राम देखोगे फैक्ट्स देखोगे एग्जाम्पल देखोगे ये चीज आपने कर लिया और ये करने के बाद आप कुछ क्वेश्चन एनसीआरटी से खुद से अराइज करोगे आप एनसीआर पढ़ोगे उससे क्वेश्चन आपको दिखेगा यार कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है वो काम आपको मैंने हर वीडियो में बोला करने के लिए आप ये जरूर करना और ये जब आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन रिविजन चैप्टर जो आपने आज रखा था उसका लगा लेना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा सिमिलरली आपको केमिस्ट्री में फोर्टी फाइव डेज तक क्या क्या चैप्टर्स को फॉलो करना है मैं आपको डू और डाई टॉपिक्स बता रहा हूं जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आप स्टार्टिंग डेज में मोल कॉन्सेप्ट थर्मोडाइनेमिक्स एक्विविरियम केमिकल काइनेटिक्स सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर्स को आप कर सकते हो स्टार्टिंग के डेज में और इन और ट करोगे, मतलब तो करोगे तो इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर ले लिए इनऑर्गेनिक्री का एक चैप्टर ले लिए एक दो चैप्टर आप रिविजन कर लिए फिर पचास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रख लिया और फिर आप एनसीआर रीड कर लिए फ्री के समय में

क्योंकि लॉज ऑफ मोशन बहुत दिक्कत देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लॉज ऑफ मोशन अच्छा कर लो वर्क पावर एनर्जी अच्छा कर लो रोटेशन मोशन अच्छा कर लो ग्रेविटेशन अच्छा कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आगे भी आपको लगेगा कहीं ना कहीं यूज आ रहा और अगर आप इलेक्ट्रोटोनिक्स में जाते हो तो उसमें आप इलेक्ट्रोस्टेडिक्स करेंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हो ये चैप्टर्स आपको स्टार्टिंग के फोर्टी डेज में आपको कंप्लीट करना है मैंने आपको बता दिया लेक्चर आप कम से कम एक से दो लेक्चर आप हर रोज देखो फिर आप उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपना नोट्स बनाओ एनसीआरटी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं फिजिक्स में अभी आपके पास समय बहुत कम है उसमें आप एनसीआरटी नेग्लेक्ट कर सकते हो फिजिक्स का बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जरूर पढ़ना अपना खुद का फॉर्मूला सीट बनाना अपना खुद का क्लास नोट्स बनाना आप डेली रिवीजन करके क्लास में जाना और नेक्स्ट आप 50 साठ क्वेश्चन हर रोज सॉल्व करना तो ये था एक 45 डेज के लिए एक चैलेंज जिसको अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका मेडिकल कॉलेज में जाना एकदम गारंटेड हो जाएगा आपका सिलेबस सही समय पर कंप्लीट होगा अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा है तो इसमें एक कमेंट करके जाओ कि भैया मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा नहीं तो आप इस वीडियो

को वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो आसानी से आप वन शॉट वीडियो देखो उसका क्लास नोट्स बना लो क्लास नोट्स बनाने के बाद आप उसको एक बार एनसीआरटी से रीड कर लो मॉड्यूल से रीड कर लो फिर भी, फिर आपको कुछ लगता है कुछ कमी बेसी है तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो ये करने के बाद आप कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप सॉल्यूशन वगैरह पढ़ोगे आप वहां से बहुत कुछ सीख जाओगे एक समय के बाद आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा वो आ जाने के बाद आप एक बार पीवाई सॉल्व करना अगर तुमसे पीवाई बन रहा है ठीक है हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट इस प्रकार से आप धीरे धीरे बैकलॉग वाले चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हो अभी आपके पास टाइम है बैकलॉग कंप्लीट करने का क्योंकि आगे आपके पास बहुत कम समय बचेगा बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए तो इसके लिए अभी आप बैकलॉग पे काम करो एक्स्ट्रा इफर्ट लगाओ एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई करो और बैकलॉग को कंप्लीट करो नेक्स्ट में आपको बता रहा हूं फेज थ्री जो कि कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाला फेज है यह भी एक बहुत लंबा फेज है साठ दिन का फेज है जहां पे आप रिमेनिंग के जो भी 40 परसेंट सिलेबस थे आपके उसको कंप्लीट करोगे उसमें भी मैं आपको डू और डाई टॉपिक्स बताऊंगा आप टेंशन मत लो लेकिन साथ में जो प्रीवियस 45 डेज में आपने जो भी चैप्टर को कंप्लीट करा था उसको इस समय में आप रिवीजन करते रहोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं एक टाइम मैनेजमेंट में आपको सिखा रहा हूं कि समय को कैसे आप सही तरीके से यूज करोगे आपने फोर्टी डेज में जो भी चैप्टर कंप्लीट करा था उन सारे चैप्टर को आप अभी रिविजन करोगे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके एनसीआरटी रीड करोगे एनसीआर किसी आर्टिस्ट से लाइन से क्वेश्चन अराइज करोगे ये सारी चीजें आपको अभी करना है और साथ में जो 40 परसेंट सिलेबस आपका बचा हुआ था उसको आप अभी कंप्लीट करोगे तो इसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इवोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल इशूज ये चैप्टर्स आप इंक्लूड कर लेना बाकी जो भी चैप्टर्स आपका छूटा होगा वो सारे को करना जरूरी है ये डू और डाई था इंपॉर्टेंट था ये इसमें आप डेली के टारगेट कैसे सेट करोगे आपने दो चैप्टर रिवीजन के लिए सुबह में रख लिया फिर आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसमें आप डेली के टारगेट कैसे सेट करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ आपने दो तीन चैप्टर सुबह रख लिया रिवीजन करने के लिए फिर उसी दो तीन में से एक चैप्टर का आपने पूरे दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया फिर जो लेक्चर आप देख रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पर आप कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है तो ये एक बेसिक तरीका है बायोलॉजी करने का बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे रिविजन करोगे डेढ़ क्वेश्चन तो हर रोज करना ही बायोलॉजी का और जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हर क्वेश्चन का एक इन डेफ्थ एनालिसिस करना

नेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ फिजिक्स के नेक्स्ट सिक्स डेज में आपको क्या करना है देखो तो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको आपको कंप्लीट करना है एनी हाउ लेक्चर से करो वन शॉर्ट से करो जैसे भी करोगे आप ये चैप्टर को कंप्लीट करोगे ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ फरवरी तक देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर तुम इस प्लानिंग को फॉलो करते हो ना तुम्हारे साथ देखो कि तुम एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस को दो तीन बार रिविजन भी कर लोगे कंप्लीट भी कर लोगे तुमने मैं तुमको मैंने स्टार्टिंग में एक प्रोग्रेस सीट भी दिया था वो सीट को भी तुम ऑब्जर्व करते रहोगे तुम्हारा हर एक काम एक टाइमिंग के साथ कंप्लीट हो रहा होगा ठीक है मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं एक प्रॉपर प्लानिंग डे वाइज एक डेली टारगेट स्टार्ट करना चाहता हूं फिर से अपने टेलीग्राम पे तो मुझे कमेंट में यह भी बता सकते हो कि भैया मैं ये टेले, ये डेली के टारगेट स्टार्ट करूं या नहीं मैं हर साल ये करता हूं और बहुत सारे बच्चे को इस चीज़ का बेनिफिट होता है तो ये भी आप मुझे बता सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल दी एप्रन बॉय जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए क्लास अलेवेंथ का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कि आप कंप्लीट कर सकते हो ठीक है अभी देखो फेज़ फोर जो होगा हमारा इंटेंसिव रिविजन का फेज़ होगा ठीक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इसके तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तुमने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तुमने नोट्स बना लिया हर चीज़ कर लिया लेकिन अगर तुम्हें चैप्टर याद ही नहीं है अगर तुम्हारे दिमाग में कंटेंट है ही नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है नहीं होगा ना तो इसके लिए इंटेंसिव रिवीजन फेज है जो कि फर्स्ट मार्च से टेंथ ऑफ अप्रैल तक रहेगा और इसमें तुम्हें बस ये करना है रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना वीकनेस देखो जो ज्यादा वीक चैप्टर है उसका लेक्चर देखो।, देखो देखो ये जो मंथ है ना मार्च अप्रैल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम्हें रेगुलर बेसिस पर टेस्ट भी देना है देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले टेस्ट मत देना आप टेस्ट देना पंद्रह दिन पे बीस दिन पे आप टेस्ट देते रहना आगे भी बट बट इस फेज में आपको ज़्यादा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं बस ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ठीक है तो इसमें आप अपना एक टारगेट ले सकते हो कि फोर आवर बायोलॉजी के थ्री आवर केमिस्ट्री के थ्री आवर फिजिक्स के इसमें आप नोट्स रिवाइज कर लिए क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लिए एन रीड कर लिए और ये चीज़ आपको करना पड़ेगा एन को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हर लाइन से क्वेश्चन अराइज होता है ये आपको पता होना चाहिए मैं कभी तुम्हें नहीं बोलूंगा कि तुम ये लाइन को छोड़ दो तुम ये चैप्टर को छोड़ दो क्योंकि मुझे पता है कि एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में सेलेक्ट होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं हर एक स्टूडेंट ध्यान से सुना हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चैप्टर से अगर चार नंबर का क्वेश्चन आया तो आपका रैंक बहुत ऊपर नीचे होगा हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है लोग आपको बोलेंगे ये डू और है इसको करके चले जाओ ये ये इंपॉर्टेंट है इसको करके चले जाओ लेकिन ये सारे चीज़ें उसके लिए होता है जिसको एक जस्ट नंबर ऑफ ए स्कोर गेन करना है अगर आपको सेलेक्ट होना है अगर आपको मेडिकल कॉलेज जाना है तो एक एक चैप्टर पर तुम्हारा पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए ये बात एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवीजन का प्लानिंग क्या होना चाहिए रिवीजन के लिए सबसे बेसिक से बता रहा हूँ जो कि मैंने हर रोज़ फॉलो करा है देखो तो मेरा हर रोज़ का टारगेट होता था यार कि दो से तीन चैप्टर बायोलॉजी का रिवीजन करना है एक चैप्टर फिजिक्स का रिवीजन करना है एक चैप्टर केमिस्ट्री करना है बाकी जो नया पढ़ रहे हैं उसको हमको पढ़ते रह जाना ये पहला हो गया दूसरा हर मौके से पहले हमें रिविज़न करके जाना है अपना पूरा का पूरा क्लास नोट्स चाहे कुछ भी सिलेबस हो मैं पूरा का पूरा क्लास नोट्स को एनी हाउ रिवीजन करके जाता ही था ये रिवीजन का एक प्लानिंग है अगर आप रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करते रहते हो तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाता है आप भूलोगे नहीं आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो ये एक रिविज़न का प्लानिंग है रिविज़न के टाइम को डिक्रीज़ करना ये हमेशा अपने दिमाग में रखो कि अगर किसी चैप्टर को आज पढ़ने में एक घंटा लगा तो नेक्स्ट डे आधा घंटा लगना चाहिए 45 मिनट लगना चाहिए बट टाइम कम होना चाहिए टाइम कम कैसे होगा आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करोगे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर लोगे आप भूलने वाले पॉइंट को ज़्यादातर पढ़ोगे इससे क्या होगा जो पॉइंट को आप भूल रहे हो बार बार भूल रहे हो आप उसी को जाकर देखोगे आपको पूरे चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये बात तुम्हें तो कोई नहीं बताएगा ठीक है तो रिवीजन आपको इसी प्रकार से कर अभी मैं आपको फेज़ फाइव के बारे में बता रहा हूँ जो कि एलेवंथ ऑफ अप्रैल से फर्स्ट मई तक चलेगा जिसमें आपको विग्रस टेस्ट देना पड़ेगा और ये टेस्ट स्टार्टिंग में पार्ट टेस्ट होगा फिर धीरे धीरे फुल टेस्ट में कन्वर्ट होगा और यहां पे आपको असली औकात पता चलेगा कि आखिर तुमने क्या सीखा क्या पढ़ा हर एक चीज तुम्हें मॉक टेस्ट से पता चलेगा और ये टेस्ट तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा इसलिए ये फेज को स्किप बिल्कुल मत करना मॉक टेस्ट देने से बहुत सारा बेनिफिट्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट सीखोगे टाइम मैनेजमेंट के साथ एक्यूरेसी सीखोगे स्पीड सीखोगे कैसे क्वेश्चन को डील करना कैसे पेपर को हैंडल करना एन एग्जाइटी को कंट्रोल करना कैसे फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करना कैसे नहीं होना पेपर में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना हर एक चीज तुम मौके से सीखोगे मैं फिर से बता रहा हूँ इसलिए मोकटिस देना बहुत जरूरत है मैंने 60 70 प्लस मॉक टेस्ट दिए थे नीट के समय में तब जाके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था नेक्स्ट नेक्स्ट मैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है आप उसको भी जाके देख सकते हो मैंने उसमें पूरा बताया कि प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना बस सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर मोकटिस से पहले तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी चैप्टर मोकटिस में आ रहा है उसको तो रिवाइज करके एनी हाउ जाना ही है मॉकटेस देना इंपॉर्टेंट है और साथ में वो चै वो सिलेबस को रिवाइज़ करके जाना इंपॉर्टेंट है बट साथ में जो पुराने चैप्टर्स है जो शायद सिलेबस में नहीं है उसको भी आप रिवाइज करो क्योंकि लगे हाथे आपका वो भी रिवाइज़ हो जाएगा और अगर एक दो क्वेश्चन भी उससे आ जाता है आपको अच्छा फील होगा सच में अच्छा फील होगा इसलिए आप हर मॉकटस से पहले ये टारगेट लेके जाना कि मुझे पूरा सिलेबस को रिवाइज़ करके जाना है तो अब मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि ये एक रफ आइडिया था ये एक रफ रोड मैप था जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा अब इसके अकॉर्डिंग आप तुम्हें ये करना है कि तुम सिलेबस को अब थोड़ा डिवाइड करो मैंने स्टार्टिंग का फेज़ वन इसीलिए रखा था कि इसमें आप सिलेबस को डिवाइड करोगे चैप्टर्स को आप डिवाइड करोगे किसको आपको पहले करना ज़्यादा ज़रूरी है किसको आपने कर लिया है क्या क्या, क्या आपका हो गया है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपके लिए आसान भी हो जाएगा तो ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा तुम्हारे सिवा मैं नहीं कर सकता हूं मेरे बस का यह चीज़ नहीं है मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा क्या सिलेबस छूटा हुआ है मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि तुम्हारा क्या सिलेबस छूटा हुआ और मैं बिल्कुल भी स्पून फीडिंग वाला काम नहीं करना चाहूंगा इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर यहां तक देखे हो थोड़ा सा मेहनत लगेगा आप खुद का एक प्लानिंग छोटा सा प्लानिंग बनाओ कि अब तुम कैसे प्रोसीड करोगे मैंने चैप्टर कैसे कंप्लीट करोगे ये सारी चीज़ बता दिया बाकी कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करो